तो और मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल है यार। अब तुम लोग काफी दिन से मेरे से पूछ रहे हो कि भाई बुग्गी कहाँ चला गया। अब यार देखो, मेरी कोई लड़ाई लड़ाई नहीं हुई है, पता नहीं क्यों। कोई भी बंदा अगर मेरे साथ नहीं खेल रहा होता, तुम लोग को ऐसा लगता है मेरी लड़ाई हो गई है। भाई लड़ाई नहीं हुई है, असल में बुग्गी इस वजह से नहीं खेल रहा है क्योंकि वो कहीं और बिजी है। मतलब समझ रहे हो ना, जो टाइम वो मेरे साथ गेम में बिताता था, अब वो टाइम किसी और को चाहिए। तो अब अपन क्या ही कर सकते हैं भाई, समझ रहे हो। मतलब अच्छे काम के लिए किसी को रोका नहीं जा सकता है। तो फिलहाल जब तक हमारे बुग्गी भाई फ्री नहीं रहते हैं अपने कर्तव्यों से, तब तक ऑरा पायमोन हमारा साथ देने वाले हैं इस जालिम दुनिया में। वेल जो भी हो, ये तो हो गया भाई कि बुग्गी कहाँ था। लेकिन अब बात करते हैं हम लोग कि भैया इस गेम प्ले में क्या है। तो भाई देखो, सबसे पहले ये गेम प्ले ऑसम है, हर रोज की तरह ढेर सारे किल्स होंगे। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि फार ऑफ एक बात बताओ, वो जो नो चिकन डिनर वाला कर्ज था उसका क्या हुआ? क्योंकि जो लोग मेरे को रोज देखते हैं उनको पता है कि फार ऑफ के सीजन लगे पड़े हैं। तो आज की गेम प्ले में चिकन डिनर होगा या फिर नहीं, तो भैया देखो कोशिश हमारी पूरी है। लेकिन मेरा हमेशा से ये मानना है भाई कि चिकन डिनर से ज्यादा किल्स मैटर करते हैं। मतलब अगर किल्स बहुत अच्छे हैं ना, तो चिकन डिनर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वैसे ही कुछ आज भी होने वाला है भाई, क्योंकि मैंने उतरते 3 किल निकाल दिया था और मुझे पता था कि वहां पर एक बंदा है, तो मैं इधर ही बैठ गया। और फाइनली भाई ने जैसे ही मुंह दिखाया, तो मैंने इनका जो है भाई साहब काम कर दिया। अब देखो ये बंदा क्योंकि नॉक हुआ था, फिनिश नहीं हुआ था, तो मैं और पायमान दोनों जानते थे उसे रिवाइव देगा उसका टीममेट। तो हमने फटाक से हमला करा और भाई ये देखो मेरा स्वागत कैसे हुआ। भाई S12 की ओर मैं कितना लकी था कि वो रीलोडिंग पे आ गया। ओ भाई, अगर रीलोडिंग पे नहीं आया था ना, मैं गया था उधर। बस जो भी हो, पायमान ने मेरे को रिवाइव दिया। अब हम आए दूसरे बंदों को ठोकने के लिए। पायमोन के पास ऑलरेडी बंदे थे, लेकिन मेरे को पहले चाहिए थी गन्स, तो मैंने स्कारल हटा के ऑग ले ली। अब पायमोन ने तभी एक किल निकाला, तो मैं थोड़ा सा गुस्सा आया, लेकिन फिर मैंने देखा रे तो बॉट है, तो मैं चिल हो गया। अब पायमोन ने दी मेरे को जबरदस्त कॉल, उसने कहा सामने वाले घर में 2 बंदे हैं। अब उसने तो सिर्फ 2 ही बंदे बोले थे, तो मैं भी यही समझ रहा था कि अंदर 2 ही बंदे हैं। अब यहां पर मेरे को डालना था ग्रेनेड, लेकिन तुम जरा देखो यहां मैं बैठा हुआ हूं। क्यों? क्योंकि वो बंदे भाग रहे हैं पूरे में, और जब बंदे भाग रहे हो ना, तो ग्रेनेड नहीं डालना चाहिए, ग्रेनेड मिस हो जाता है। तो मैंने उनके रुकने का वेट करा, और जैसे ही वो रुके, बूम, एक नॉक। अब मुझे पता था इसको रिवाइव देने के लिए कोई ना कोई तो आएगा, तो मैंने एक और मॉली डाला। अब एक पायमोन ने नॉक निकाल दिया मेरे मॉली से। हाँ भाई, दो दो नॉक निकल गए, ये एक फिनिश हुआ है भाई। मेरे को नहीं पता, कुछ तो खतरनाक हुआ है। अब जो भी हो, यहाँ पर जितने थे भाई उन सबको अपन ने फिनिश कर दिया, और भाई मजा आ गया भाई। इस तरह के ग्रेनेड और मॉली हर मैच में जाए ना, तो भाई स्वाद आ जाए। अब एक एक करके यहाँ पर सबको फिनिश कर दिया मैंने और पायमोन ने, तो 8 किल हो गए थे मेरे। लेकिन अभी भी यहाँ पर बंदे खत्म नहीं हुए थे। हमको पता था भाई साहब बंदे कहीं भी खत्म हो जाए, लेकिन भाई कैसल पे बंदे खत्म नहीं होते, तो हम फटाफट से कैसल पे आए। अब यहां पर मेरे को फुटस्टेप तो आ रहा था, लेकिन भाई बंदा कहीं और निकला। अब उसने पायमोन को नॉक कर दिया था, और बंदा ऐसी जगह पर बैठा है ना भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो बंदा मस्त कवर में बैठा है, पायमोन ओपन में नॉक हुआ है। मैं कोशिश कर रहा था बट नहीं बचा पाया। अब वो मेरे से फाइट लिया होता तो मैं बचा भी लेता, बट वो पीछे छुप के बस फिनिश करने में लगा हुआ था। अब यहां पर मेरे को चाहिए था बदला, लेकिन दिक्कत ये है कि वहां पुश कैसे करूं मैं। तो मैंने कुछ नेट्स और मौली का सहारा लिया। नेट तो बढ़िया गया था, लेकिन जरूरत से ज्यादा जल्दी फट गया यार। वेल जो भी हो, उसके बाद मैंने एक मौली डाला। मैं चाह रहा था कि मौली एकदम नोक पे लड़े जाके, लेकिन मौली भाई साहब अपनी तरफ हो गया। तो यहाँ पर वो बंदा इतना तो समझ गया था कि मैं उसको मारना चाह रहा हूँ, तो वो और छुप के बैठ गया। तो मैंने थोड़ा वेट करा, पायमोन वापस आ गया, और भाई यहाँ पर दूसरी टीम भी आ गई। अब पायमोन ने एक नॉक निकाला, और उसी घर में निकाला जिससे उसको नॉक करा गया था। तो अब यहां पर पायमोन मेरे से कह रहा था कि फारो भाई पीछे हमला करते हैं, आगे वाले को छोड़ो, उनको बाद में देख लेंगे। अब यहां पर मेरे को पुश करना था, और मेरी किस्मत बड़ी अच्छी थी क्योंकि भैया यहां पर मेरे को मिल गया ग्लाइड। अब मैं फटाक से आ गया भाई साहब इस घर पे, प्लान था ऊपर जाने का, बट मैं नीचे गिर गया। और भाई मेरे को नहीं पता था भाई यहाँ रिवाइव चल रहा है। भाई पहले पता होता ना, तो मैं इसको रिवाइव होने देता यार, एक की जगह 2 किल मिलते। वेल जो भी हो, 1 किल मुझे मिला, 1 पायमोन को मिला।
लेकिन जो स्क्वाड से हम पहले लड़ रहे थे ना भाई, वो अब आ गई थी भाई साहब कैसल के अंदर। और इसी बात का मेरे को डर था क्योंकि यार कैसल के अंदर बंदी करते हैं कैंप, वो भी गंदा वाला। तो यहाँ पर हमको कैसल के अंदर घुसना तो था लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी दोनों की। बस इसी वजह से भाई ऊपर बंदा ऑलरेडी रेडी है, तो भाई मैं जंप करके छत पे नहीं गया बल्कि मैं नीचे कूद गया, क्योंकि अगर सीधा ऊपर गया होता ना तो मेरे को रिकॉल लेना पड़ता। अब पता नहीं कहां से पायमोन घुसा और उसने एक नॉक निकाल दिया। अब पायमोन की बात मैंने सुनी कि भैया ऊपर बंदा है, एक नॉक है, लेकिन मैंने उसको वापस बुला लिया। क्यों? क्योंकि भैया देखो एक बंदा इस मीनार के अंदर चढ़ के बैठा है जिसको मैंने नॉक करा। अब दो नॉक हो चुके थे तो मैंने एक और मोली डाला, तभी पायमोन ने एक नॉक निकाल दिया। भाई ये बंदा गोली दे रहा होगा, इसने उड़ने वाला गधा मंगाया था। लेकिन तुमको पता है कि वो जब आता है तो एनिमेशन में आता है और बेचारा वो एनिमेशन में फंस के रह गया और पायमोन ने से नॉक कर दिया। अब इस स्क्वाड के तीन बंदे नॉक दे भाई, तो पुश करना तो यहां पर बनना ही था। अब मैंने एक और नॉक निकाला और फिर उसको भी खत्म कर दिया। भाई ये पूरी स्क्वाड जो लुल तरीके से वाइप हुई ना पूछो मत। भाई जिसने उड़ने वाला गधा मंगाया था ना वो गुस्से से पागल हो रहा होगा। बस जो भी हो, हमको लग रहा था जगह क्लियर हो गई, लेकिन वो फुटस्टेप मेरे को अभी भी आया जो तब आया था जब पायमोन नॉक हुआ था। भाई व्हाट? आ नहीं 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 भाई, ये बंदा कब से यहां पर कैंप कर रहा है पता है? मतलब जब पायमोन फिनिश हुआ था भाई तब से बंदा अंदर कैंप कर रहा है। बस जो भी हो, यहां पर अब बारी थी पुश करने की और हम मान के चल रहे थे कि अंदर एक बंदा है, तो मैंने एक मोली डाला। अब मोली भाई गलती से सही जगह गिरा, बंदा नॉक हो गया। लेकिन भाई अकेला नहीं था, इसके साथ एक और टीममेट था। भाई एक ह्यूज टिप, कभी भी इस जगह पर टीपीपी मत लिया करो। हर बंदा यहीं पर ही चेक करता है, कभी मत लिया करो टीपीपी। और ऊपर से ये जगह बहुत खराब है, अगर तुमने मिस कर दिया ना शॉट्स तो भागने का कहीं रास्ता नहीं है। इस जगह टीपी मत लिया करो। अगर तुमको इस जगह टीपीपी लेने की नौबत आ रही है तो बेटर ये स्मोक करो, उस स्मोक में लड़ लो, लेकिन इस जगह पर टीपीपी मत लो, हमेशा मरोगे भाई। क्योंकि जो बंदा अंदर पीक लेने के लिए आता है ना उसको एडवांटेज मिलता है भाई राइट साइड का, और तुमको लेफ्ट साइड का डिसएडवांटेज मिलता है। उस जगह कभी टीपीपी मत लो, हर बार भरे जाओगे। अब वो बात अलग है कि सामने वाला ना लो। वेल जो भी है, उसके बाद हम लोग उड़ने वाला गधा लेके आए यासनाया, और छत पे मेरे को दिखाई दिया बंदा जिसको मैंने लो कर दिया था। तो अब जोश जोश में मैं नीचे कूदा और जैसे ही कूदा भाई मेरे को भर दिया। अब मैं फिनिश हो गया, पायमोन भी फिनिश हो गया, उसके भाई दूसरी लाइफ थी वो तो डायरेक्टली फिनिश हो गया। तो अब यहां पर मैं आया बदला लेने। अब जोश जोश में मैं आ तो गया था बदला लेने, लेकिन भैया सर्कल आ गया और ये सर्कल भाई ऑलमोस्ट एंड का है, बहुत डैमेज दे रहा था। अब मेरे को गन्स तो मिल गई लेकिन फर्स्ट एड्स नहीं मिली। अब बैंडेज जो मिली थी जरा सी वो मैं पोतने लगा और अब मेरे को डाउट होने लगा था कि मेरे से गलती हो गई। मैं इधर बदला लेने आया तो था लेकिन बिना किसी तैयारी के, तो मैंने पुश करा, बट ये बंदे बड़े शहाणे थे भाई, ये नीचे कूद गए। अब मेरे को लग रहा था कि भाई मैं जोन से ही मर जाऊंगा, तभी मेरे को मेरा डिब्बा मिला भाई जिसमें से मेरे को फर्स्ट एड मिल गया, तो मेरे जान में जान आई। लेकिन तभी भाई इन्होंने पुश कर दिया। अब इससे पहले कि मैं फर्स्ट एड लगाता हूं इनका पुश आने लगा, तो मैंने सोचा भाई लड़ ही लेते हैं, कम से कम मरेंगे लेकिन इनको मार के मरेंगे। ओ भाई जिंक्स का कपड़ा पहन लेने से जिंक्स थोड़ा ना बन जाओगे, जिंक्स की शक्तियाँ सिर्फ मेरे को ही मिलती है। वेल इनको मैंने फिनिश कर दिया, लेकिन जोन भाई आगे जाके इतना डैमेज देने लगा कि भाई मैं बच तो गया लेकिन भाई बचने के चक्कर में मेरा जितना भी हेल्थ का डिपार्टमेंट था ना ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। थोड़े से फर्स्ट एड्स मेरे पास बच रहे थे, तो अब मेरे को उन्हीं से काम चलाना था, प्लस ये गेम का एंड सर्किल था। अब यहाँ पर मैं जानते हो ब्रिज के नीचे से क्रॉस कर रहा था, तो अभी भाई साहब हुई फायरिंग। अब भाई साहब MG3 UMP M4 सब चल रही है भाई, और देखते ही देखते एक स्क्वाड क्लास। अब जानते हो हुआ क्या, मैं यहीं पर छुपा रहा ठीक है, और ये बंदे यहां से निकल गए। फिर मेरे दिमाग में एक बात आई कि भाई ये जोन देखो, इस जोन में इस घर के अलावा कोई भी अच्छी जगह नहीं है, बाकी सब ओपन ही जगह है ना। तो भाई अगर गलती से भी जोन इधर का बन गया ना, गेम मेरी जेब में है। लेकिन अगर इधर जोन नहीं बना तो कोई बात नहीं है, वैसे भी जोन ओपन का ही है, कहीं पर भी सर छुपाने की जगह ढूंढ लेंगे। भाई मैंने एक तुक्का मारा था और तभी यहां पर ये भगी आई, ये भी एग्जैक्टली चीज सोच रहे थे। बट इन्होंने कर दिया लेट भाई, ये तीन बंदों की स्क्वाड थी और दो मैंने गिरा दिए थे, इनका सिर्फ एक बंदा बच रहा था।
मुझे पता था वो यहीं कहीं होगा भाई, ओपन में कहाँ छुपेगा। मैंने एक तुक्का मारा था भाई, कह सकते हो सट्टा खेला था इस जगह पर पोजीशन लेके, क्योंकि अगर यहाँ जोन नहीं बनता तो ये बंदे मेरे को ओपन में ढूंढ के मार सकते थे। लेकिन भाई मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि भाई आखिरी बंदा भी मेरे को सामने दिख गया। ये मेरे को नहीं दिखता, पता है ये क्यों दिखा? क्योंकि इसको नॉक वाला बंदा सामने आया और इसने उसको बचाने के लिए पीक लिया, वो भी प्रोन होके। अब भाई मैं उसको भर देता, लेकिन ये छत इतनी अजीब है मेरे को पीक नहीं लेने दे रही थी। अब जो भी हो, पूरा के पूरा गेम प्ले नेक्स्ट जोन के ऊपर डिपेंड था भाई। जोन जिसके ऊपर बनेगा चिकन उसका। अब मैं इधर बैठ गया, मैं नहीं निकल रहा था भाई। मैं कोशिश कर रहा था पीक लेने की, बट भाई यहां से मैं पीक ही नहीं ले पा रहा हूं। अब बना नया जोन और पूरा की पूरा जोन मेरे को फेवर कर रहा है। अब मैं जानता था इस लौंडे को जोन में तो आना ही पड़ेगा। अब ऐसे टाइम पे मैं या मेरे जैसे लोग जानते हो क्या सोचते हैं कि देखो जोन तो हमें फेवर करा नहीं है, हम जितना लेट करेंगे उतना ज्यादा फंसते जाएंगे। तो मैं अपने हिसाब से सोचा था कि ये बंदा मेरे से अर्ली फाइट लेगा, तो मैं इसे चैलेंज कर रहा था, मैं इसको एक तरह से मौका दे रहा था फाइट करने का, बट इसने मेरे से फाइट ली नहीं। तुम देखो मैं चैलेंज कर रहा हूँ भाई, अब मैं ओपन में खड़ा होकर फायर तो करूंगा नहीं, बेवकूफ नहीं हूँ, मेरे को चिकन चाहिए यार। अब मैं समझ गया कि ये पीक लेने वाला नहीं है और ये इसकी बहुत बड़ी गलती थी। देखो जोन आने का वेट तुम तब करो जब तुम्हारे पास स्मोक वगैरह हो, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं तो ये कहता हूँ अगर 1v1 सिचुएशन है और तुम्हारे पास जोन नहीं है और सामने वाले बंदे के पास जोन का एडवांटेज है, तो बेटर ये है कि अर्ली मूव करो, क्योंकि तब तुम्हारे पास टाइम रहेगा करेक्शन का। भाई तुम एंड में जब जोन आने लगेगा तब तुम स्मोक स्मोक करोगे और गलती से इधर उधर स्मोक गिर गया है, तुमको पोजीशन चेंज करनी पड़ी, नया प्लान को सोचना पड़ा, तुम्हारे पास कोई टाइम नहीं है, तुमको स्ट्रेट लाइन में भागना ही पड़ेगा। और इस बंदे ने वही गलती करी। मैंने कहा कोई बात नहीं लौंडे, छुपे रहो तुम, जब जोन आएगा ना लतिया के तुमको बाहर निकालेगा। और ये भाई निकला। अब मैंने उसको बहुत दो कर दिया था, इसके पास छुपने का मौका था पेड़ के पीछे, बट भाई टाइम ही इतना कम था कि भाई को कुछ समझ नहीं आया और मैंने आराम से निकाल दिया। कतई इजी चिकन डिनर।